जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन के निर्देशानुसार सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह, एसडीएम सदर गजेंद्र कुमार और उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला के संयुक्त अभियान में गुरुवार को कोतवाली थाना क्षेत्र के खुनीपुर स्थित चूना गली में सुनील ट्रेडर्स प्रोपराइटर दिनेश कुमार के गोदाम पर छापा मारकर प्लास्टिक व थर्माकोल के ग्लास प्लेट का जखीरा बरामद किया। बरामद माल लगभग एक ट्रक से अधिक है। दिनेश ट्रेडर्स के ऊपर नगर निगम द्वारा 25,000 का जुर्माना वसूल कर माल को जब्त कर लिया गया। प्राप्त सूचना के आधार पर जिला प्रशासन ने राजघाट थाना क्षेत्र के अमरूद मंडी के पास से अधोर पीठ मंदिर के पास बने एक आलिशान भवन पर पहुंचे, जहां ताला बंद था। भवन के मुख्य द्वार पर लिखे पते और फोन नंबर पर प्रशासन द्वारा लगातार संपर्क करने के बावजूद फोन नहीं उठाने पर भवन के अंदर थर्माकोल से बने बर्तनों की आशंका जताते हुए नगर मजिस्ट्रेट ने भवन को सील करने का आदेश दिया। भवन को तुरंत सील कर दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने बताया। क्या चीज है ये? चम्मच है लकड़ी का, जो कागज का है उसको छोड़ दे बिल्कुल, एकदम लकड़ी के चम्मच कुछ नहीं, कुछ नहीं बाहर निकल, लकड़ी का कागज का उसे छोड़ दे, बाहर निकल ज्ञान दुबला दुबला एक कप प्लस पेपर का क्या कर लेना अब ठीक है और कहां हो बताओ बाहर निकल ज्ञान बाहर निकल ये बना रहे हैं ये अलग अलग कर दो इसमें अलग अलग कर दो इसको अलग कर लीजिए इसको अलग ग्लास में रख कर क्या बाहर आप लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कीजिएगा बाहर आइए। नहीं सब जाएगा, अरे नहीं अब बहुत जानकारी है, उनसे बात कीजिए भैया, हम नहीं जी कर्मचारी बुला लीजिए, कर्मचारी बुला लीजिए, निकालो निकालो बाहर, पत्तल दो ना, वो सब उससे कोई मतलब नहीं है। बड़का बोरिया जो लगल बा जो बड़का बोरिया भैया भैया हट जाइए आप लोग, बुला दे रहा है आदमी को, निकलवा दे ठीक है ठीक है। अरे वो तो छांट के निकाली ना, है प्लास्टिक वाला निकाली है, ये एक ठो सब थर्माकोल है। बहुत बड़ा सेक्शन बहुत नहीं तो मलवा ले जाए देखो, लेकिन लाभ होता है तो
तो आपका लाभ है कॉल करके ही आऊंगा। कंटेनर अरे भैया चुनाव के लिए ना डालो इससे भी कर लो फोटो जरा पीछे ये थोड़ा पीछे एक बना सब लोग मोबाइले बनाओगे करो भी करो बिना करने के काम नहीं हाँ कला सीख कर दीजिए कागज आने लाए हैं कागज है तो कोई क्या बनेगा तो आप नहीं बताएंगे इसमें लिखा है आज दिनांक इतने का सिटी मजिस्ट्रेट लोग राजकुमार सदर की उपस्थिति में नगर निगम मीटिंग में उपस्थित हुई और सूचना मिलने पर कि इस गोदाम के अंदर ये प्लास्टिक और थर्माकोल जो प्रतिबंधित जियो है अपने पास में जो इतने के दिनांक इतने के तहत प्रतिबंधित है प्रतिबंधित सामग्री में रखी गई है। जाँच करने पर प्रथम दृष्टा देखने में पाया गया कि अंदर सामग्री रखी हुई है अगल बगल बुलाने पर कोई नहीं आ पाया इसे जाँच नहीं हो सकी। ठीक है इसके दृष्टि का इसको आज रात सबके उपस्थिति में इसको नहीं इसमें सुनील ट्रेडिंग कंपनी जो हाँ, सामने लिखा हुआ है इनके मोबाइल नंबर इन पे दूरभाष पे संपर्क किया गया लेकिन सुझाव मिला इसका बकायदा इस पर जो ये अंकित है पूरा बिल्कुल करके और ब्रांड से कोई आ नहीं पाया तो इसको अग्रिम कार्रवाई होने तक सील किया जाता है। लिखने वाला है साइन तो आपको होगा कस्टडी में ठीक है और हम लोगों को उपस्थित दिखाई दे उनके उपस्थित दिखा रहे हैं नगर मजिस्ट्रेट बड़े बड़े मजबूत ताले हैं वाट लीवर वाला है तोड़ना ही पड़ेगा तोड़ने के लिए तो कोई भी तोड़ देगा रोड तो फट से टूट जाएगा ऐसे लेकिन जो चाबी बनाने वाले को बुला लेंगे तो चाबी बनाने में कुछ नहीं छूट जाएगा उसके हेलो
सब घुमा के चारों तरफ उसके साथ ही कर लो हो गया। निगम टीम और पुलिस वाला प्राप्त सूचना के आधार और इनके गोदाम पे पहुंचे गए और गोदाम के आसपास से लोगों से मतलब पूछा। आज दिनांक 27/9/2018 को चाबी सर मांगी जाएगी। नहीं हाँ, दूरभाष से आज सूचना मिली थी और कि जो प्रतिबंधित पॉलीथीन है और थर्माकोल और जो भी प्रतिबंधित प्लेट्स हैं जो प्लास्टिक के और थर्माकोल से बने, तो उसी सूचना के आधार पर मैं और एसडीएम सदर और नगर निगम की पूरी टीम निकले थे। अभी खूनीपुर जो चूना वाली गली है वहाँ पे काफ़ी माल बरामद किया गया। सुनील ट्रेडिंग कंपनी के नाम से था, वो भी ट्रेडर्स कंपनी जिसके प्रोप्राइटर दिनेश थे। और उसी क्रम में एक सूचना और मिली थी कि अघोर पीठ में जो है, यहाँ जो टीपी नगर चौकी क्षेत्र में आता है, थाना राजघाट क्षेत्र में, यहाँ भी एक मकान में जो है काफ़ी प्रतिबंधित जो है थर्माकोल की प्लेट्स, प्लास्टिक और संबंधित उत्पाद रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे संपर्क किया गया, जो दूरभाष इस पर लिखा हुआ है इस कंपनी का उस पर संपर्क किया गया, तो स्विच ऑफ बताया गया। और जो इनके पदाधिकारी हैं, डिस्पोजल यूनियन जो भी यहाँ बना हुआ है उसके पदाधिकारी, उनसे संपर्क किया गया, वो लोग भी यहाँ आए थे। उन लोगों ने जो इसके प्रोप्राइटर हैं, जो मालिक हैं, उसे संपर्क करने की कोशिश की। दूरभाष पे हम लोग भी संपर्क किए लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, मौके पर नहीं आए। कई बार फ़ोन करने के बाद भी, उन लोगों के द्वारा सूचना देने के बाद भी, चूँकि प्रथम दृष्टया देखने से लगा अंदर कि इसमें जो है कुछ थर्माकोल और कुछ प्रतिबंधित जो भी चीज़ें हैं उससे सामान रखे हुए हैं, प्रथम दृष्टया इसको सील कर दिया गया है। जब इसको खोला जाएगा, पूरी जांच की जाएगी, जो भी चीज़ें निकल गया है फिर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसमें तो पूरा माल जब्त कर दिया गया और जुर्माना चूँकि एक साथ प्राप्त हुआ था वो, तो 25,000 रुपया जुर्माना नगर निगम की तरफ से अधिरोपित किया गया और सारा माल जब्त करके नगर निगम में जो है उसको जमा करा दिया गया। हाँ, लोग बता रहे हैं, अभी तो जाँच का विषय है, इसमें जाँच की जाएगी, तब जो भी तथ्य आएगा सामने उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।